आज हम पहुँचे हैं वहाँ जहाँ मतलब आज से कुछ दिन पहले सासरा में घूमने लायक थोड़े ही जगह थे, लेकिन अब एक वायरल जगह जिसका नाम है पायलट बाबा, पायलट धाम। देखिए इसके मुख्य द्वार पर हम खड़े हैं, अब इसके अंदर जाने वाले हैं, तो अभी हमारे साथ बने रहिए। देखिए भोलेनाथ के इतना बड़ा मंदिर, तो अंदर चल के देखते हैं कि अंदर का क्या सीन है। तो आइए बने रहिए आप भी हमारे साथ। तो फ्रेंड्स ये है गेट जो अभी दिख रहा है आपको, यहाँ से ये गेट है, तो चलिए अंदर चलते हैं। गेट से तो अंदर आ गए हैं भाई साहब, अब इधर थोड़ा कैमरा घुमाते हैं। देखिए गेट था, अभी घुसे हैं हम अंदर में, और अभी पीछे की तरफ देखिए इस तरफ से हमारे भाई साहब हंस रहे हैं, क्योंकि जो है ना धीरे धीरे बोल रहे हैं, इतना ज़्यादा भीड़ है। एक अहैंडसम व्यक्ति, हैंडसम में और जोड़ दे दिया गया तो अहैंडसम हो जाता है, वो कैसे बोले। तो आप लोग हमारे भावनाओं को समझ पा रहे होंगे। देखिए पहले पीछे दिखाते हैं आप लोग, तो ये देखिए पीछे, अभी हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और ये सब देखते चलिए। किस किस भगवान का मूर्ति है, वो हमारे भोलेनाथ हैं, और इस मूर्ति को तो हम आप अंदर घुसने से पहले ही दिखाए हैं आप सबको। और देखिए आगे चलना है हमें, अभी से ही हमें एकदम बेहतरीन बेहतरीन मूर्ति देखने को मिल रहा है। तो अभी ये देखिए भगवान बुद्ध का मूर्ति। देखिए गाइस बहुत सारे लोग यहाँ से घूमने आए हैं, जा रहे हैं अपना, और जो है मंदिर है बगल, आप सभी महान श्रद्धालु पहले ही यहाँ पर निगरानी में ही कहा गया है कि आप फूल इसमें तरह तरह मोबाइल लेकर नहीं जा सकते। छोड़िए हम आगे बढ़ते हैं, मोबाइल लेकर नहीं जाना है, मोबाइल लेकर नहीं जाना है उधर का मोबाइल लेकर नहीं जा सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भाई साहब कितना बेहतरीन मूर्ति है, पहले से आगे मेरे को देखा। चलिए सबसे पहले हम आपको इसके अंदर जाकर दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या सीन है, पहले पीछे से देखिएगा मंदिर के मतलब अंदर जाने से पहले देखिए बुद्ध, भगवान बुद्ध का कितना बड़ा विशाल मूर्ति है। इस पर चढ़ तो नहीं सकते हैं हम, वरना चढ़ कर भी दिखा। ये देखिए हमारे भैया अजय भाई किस तरह से आ रहे हैं उधर से, एकदम आए हेलो करते हुए। इनके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है, जब ये बोलने लग रहे हैं ना भाई साहब, इनका कम से कम यहाँ पर इनका जो सब्सक्राइबर लोग हैं कम से कम 50-60 लोग मिले हैं जो इनको पहचान रहे थे। भाई स्टारडम ऐसा चाहिए जो कॉन्फिडेंस भी लाता है कहीं ना कहीं। ओके चलते हैं बुद्ध की ओर, जन्म से निर्माण तक। बौद्ध धर्म में जन्म से निर्माण तक के कहने का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति की ओर, मतलब इस मंदिर में आने के बाद कहने का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति की ओर बताया गया है। और ये देखिए आप चुपचाप देखते जाइए, क्या मस्त भाई, सच में यहाँ पर निर्माण तक यानी कि यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि ज्ञान की जो सक्षम प्राप्ति है वो मिलेगा ही। भाई इतना भीड़ है कि हम खुल के बोल ना पा रहे हैं, क्योंकि दिक्कत यह है कि लोग तो बहुत सारे माइकवा बंद करने का, तरह तरह की मूर्तियाँ भी इसमें सम्मिलित की गई है जो कि पायलट बाबा को और ही ज़्यादा मनलुभावन बनाई गई है। यहाँ आने के बाद एक अलग सी सुकून महसूस हो रही है, जैसे मतलब एक अच्छा शांति है, इसीलिए गेट पर यहाँ इस मंदिर के गेट के सामने लिख दिया गया है। जिनों से तरह तरह के लोग और ये सब जिसे आप देख सकते हैं। इस मंदिर को हम लोग घूम लिए हैं, तो चलिए इसके दस्त बगल में यानी कि पश्चिम साइड में जो ये सब है इस सबको हम घूमते हुए निकलते हैं। आप भी हमारे साथ बने रहिए और देखिएगा इस अब इस साइड में क्या क्या है। और अभी इसकी प्रक्रिया जो है, इस कार्य का प्रगति जो है धीरे धीरे और चल रहा है, क्योंकि बगल से भी और बनाया जा रहा है, और इस सब बाग वाग को देखिए सकते हैं आप। तो चलिए पीछे से आपको दिखाते हैं कुछ, पीछे से और बढ़िया दिखने भाई साहब महापुरुष ये लोग हैं, दिख रहे हैं ना आप लोग कितना मतलब ये सब सदगुरु हैं, मुनि विश्वामित्र हैं ये, मुनि विश्वामित्र। और ये हैं स्वामी शिवानंद जी तीर्थकर, ये हैं हमारे स्वामी विवेकानंद। ओह यार इनको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर सब सतगुरुओं का मूर्ति किस तरह से स्थापित किया गया है अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कार्य है। इसको छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर अभी ऐसा भी हो सकता है, हम सोचे ना थे
जो कि इधर आने पर ज्ञात हो रहा है। यहाँ पर देखिए हंस, खरगोश, अनेक तरह के पालन हो रहा है, जो लगा मतलब हम सोचे ना थे कि यहाँ पर उस तरह का भी होगा, क्योंकि जो है धार्मिक स्थल में इस तरह का पालन भी हो एक बहुत ही अपने आप में बहुत ही अच्छा कार्य है, सराहना करना चाहिए। चलिए तब इधर से उधर की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये पालन है और यहाँ ये मूर्ति है, तो इधर और इधर आकर घूम लेते हैं। तो इधर चलते हैं पहले, ये सब कश्यप हैं, ये कश्यप हो रहे हैं अत्री, हाँ हाँ सबका नाम नीचे लिखा हुआ है। ये भरद्वाज हैं, भरद्वाज, और ये कौन है विश्वामित्र, अनेक तरह के ऋषि मुनि हैं जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से उनका नाम भी नीचे दे दिया गया है ताकि जो नहीं पहचाने हैं वो पहचान जाए। और एक कुछ ये इधर का, इधर तो कुछ अभी इधर का कार्य चल रहा है। तो देखिए भोलेनाथ को यहाँ जगह जगह अनेकों तरह से बनाया गया है, और जो गार्डन टाइप का है वो भी एकदम शानदार है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं गुरु आप भी आ कर के इधर घूमिएगा। देखिए भोलेनाथ, तो एक ये देखिए ये सोमनाथ मंदिर है, जिसमें इसके अंदर तो हम बोले ही पहले ही कि ये फोन लेकर नहीं घुसने दे रहे हैं लोग, क्योंकि ना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए। इसका मज़ा लेना है तो आप यहाँ आपको यहाँ आना ही पड़ेगा।